वॉचिंग चिन्मयीज फिस्कॉस. हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में थे और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, आज उसी चैप्टर को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा और जानेंगे. ठीक है, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर हम लोग कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं या फिर हम लोग जो फोर क्वाड्रेंट्स लेते हैं ज्योमेट्री में, तो उस क्वाड्रेंट में साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब जो रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उनके वैल्यूज कैसे वैरी करेंगे. ठीक है, अगर कहीं पे हमको पूछा गया होगा साइन 90 प्लस थीटा, व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा, और व्हाट इज टैन 270 प्लस थीटा, देन उसे हम लोग कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो ये सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, नहीं तो आप सबको ये जो भी टॉपिक्स मैं दे रही हूँ अभी वो सब आधा अधूरा ही लगेगा. आप लोग सिस्टमेटिकली सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो अलग अलग चीजें होती हैं. एक बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंड दूसरा जो होता है वो होता है सप्लीमेंटरी एंगल. तो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री then they are said to be supplementary angles. Okay, ये क्या होता है? 90 degree होगा अगर sum 180 degree होगा तो ये वाला आएगा. और कुछ angles को हम लोग allied angles भी बोलते हैं, जैसे कि suppose two angles are there, if their sum and difference are equals to zero or they are some multiple of 90 degree, then those type of angles are known as allied angles. ठीक है, आप लोगों को किसी किसी बुक में मिल जाएगा कि टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. सो व्हाट आर अलाइड एंगल्स? तो ये होता है अलाइड एंगल, जैसे कि सपोज मैं ले रही हूँ माइनस थीटा ले रही हूँ, या फिर 180 डिग्री प्लस एंड माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस एंड माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस एंड माइनस थीटा, ये सारे जो भी ले सकती हूँ मैं, उसे हम लोग बोलेंगे अलाइड एंगल. दिस एंगल्स आर अलाइड टू द एंगल थीटा. ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं क्वाड्रेंट. अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस चार क्वाड्रेंट में कैसे वैरी करते हैं. इसके लिए एक छोटा सा टिप है, आपको ये वाला चीज याद करना है कि ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज. और आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं ए S T C, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज A S T C, ऑल स्मॉल T कप्स, ऐसे भी याद करते हैं. तो आपको जो भी आसान रहेगा आप वैसे ये टेक्निक, ये वाला टिप आप थोड़ा दिमाग में रखिए. ठीक है, तो A S T C रूल इसे बताते हैं. तो इसमें क्या होता है, A फॉर ऑल, ऑल मीन्स यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लेंगे वो सारे रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी. ठीक है, और इस वाले क्वाड्रेंट भी अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे एस फॉर साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ पे टी, टी फॉर टैन, टैन और उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है. ये सी, सी फॉर कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल है सेक, तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगी. यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव, क्लियर. यहाँ पे बाकी टैन कॉट को छोड़ के बाकी रेशियोज नेगेटिव, यहाँ पे कॉस सेक को छोड़ के बाकी रेशियोज नेगेटिव. इसे अभी हम लोग कैसे अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, देखिए मैं पहले ले रही हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा. माइनस थीटा कैसे आया,
ये जो था हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मैं ले रही हूँ थीटा, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसे मैं लिखूंगी माइनस थीटा। तो देखिए अगर इस तरफ में आ रही हूँ और यहाँ पे माइनस थीटा है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। तो देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब ये आएगा कॉस थीटा पॉजिटिव। सेक ऑफ माइनस थीटा, ये आएगा पॉजिटिव सेक ऑफ थीटा। और बाकी जो रेशियोज हैं उनका आंसर नेगेटिव आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आएगा माइनस ऑफ टैन थीटा, ये हो गया माइनस ऑफ कॉट थीटा और ये हो गया माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, वैसे ही हम लोग अभी देखेंगे। सपोज मैं ले रही हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री कहाँ पे आता है? ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस मतलब बैकवर्ड, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब वो सारे एंगल्स कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल लिखा गया होगा वो 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो फिर ये जो रेशियोज है यहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे। अगर ये वाला इवन मल्टीपल आएगा तो ये रेशियो जो है वही रहेगा। देखते हैं कैसे, मैं एक आपको करके बताती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल मतलब ये रेशियो अभी चेंज हो जाएगा। साइन किसको चेंज होगा? साइन हो जाएगा कॉस। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। और ये सारे जो रेशियोज हमको आंसर्स में यहाँ पे मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये चेंज होके हो जाएगा साइन थीटा, अगेन पॉजिटिव। देन टैन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। देखिए ये सारे पॉजिटिव में ले रही हूँ क्योंकि 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू है इन रेशियोज में। सो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अभी 90 प्लस थीटा आया तो पहले आपको ये यहाँ पे देखना है कि ये हो गया 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, कॉसिक पॉजिटिव है। ये हो गया मेरा पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा वाला क्या लिखे यहाँ पे जो है, ये 90 90 90 है, तो 90 मल्टीप्लाइड विद 1 इक्वल्स टू 90, दैट मींस इट इज एन ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल होगा तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। तो किस किस को पॉजिटिव रखना है? साइन को और कॉसिक को। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन चेंज होके क्या होता है? कॉस होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा पॉजिटिव में। अभी कॉसेक 90 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव भी होगा। कॉसेक चेंज होके क्या होता है? सेक। तो ये आ जाएगा मेरा सेक थीटा। क्लियर? अभी जो बाकी के चार रेशियोज हैं उनका रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस चेंज होके क्या होता है? साइन। तो माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan theta। sec 90 plus theta minus cosec theta। clear? next our angle changes to 180 degree minus theta। see ये हो गया 90 degree, तो यहाँ पे हमको मिलता है 180 degree। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ना 0 degree से, तो यहाँ से घूम के इस साइड पे पहुंचेंगे तो मुझे 180 degree का एंगल पूरा मिलता है।
तो अभी मेरे पास है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब बैकवर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। अच्छा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव आएगा, साइन और कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसके अलावा बाकी चार रेशियो उसके आंसर्स हमें नेगेटिव मिलेंगे। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे जो एंगल है ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है 90 का, वो देखेंगे। 180 डिग्री मतलब 90 इंटू 2, तो ये है इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल होगा तो ये रेशियो जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ही रेशियो चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, साइन और कॉसिक पॉजिटिव है तो साइन ये रहेगा साइन और पॉजिटिव में है थीटा, ठीक है। और कौन सा पॉजिटिव आएगा, कॉसिक, कॉसिक 180 माइनस थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगा तो कॉसिक कॉसिक रहेगा, फिर उसके साथ है थीटा, ये दोनों हो गए पॉजिटिव और बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, क्लियर। अभी देखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया मेरा, अभी प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड वाला क्वाड्रेंट, तो मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे टैन एंड कॉट दे आर पॉजिटिव बट अदर रेशियोज आर नेगेटिव, तो मैं देखती हूँ टैन कॉट, ये दोनों के आंसर्स मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। अगेन यहाँ पे 180 डिग्री है, इवन मल्टीपल है 90 का, तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, तो बाकी सारे जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया मेरा माइनस cos थीटा, ये हो गया माइनस sec थीटा और द लास्ट वन इज माइनस cosec थीटा। वेरी सिंपल, इजी है ना, जस्ट थोड़ा सा दो कंसेप्ट ही याद करने हैं, बाकी आप लोग कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ओ ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने 90 और 180 का कर दिया, तो आप इसे खुद ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से मैं इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। देखिए 270 डिग्री है ना, 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 270 डिग्री माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव आएंगे और बाकी के रेशियो जो होंगे वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस और सेक की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 मतलब जहां पे जीरो, हम लोग पूरा एंटी क्लॉकवाइज एक बार घूम के आ जाएंगे तो 360 डिग्री वहीं पे आएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आपका क्वाड्रेंट आप लोग कैसे पहचानोगे ये बता दिया मैंने। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट था ना कि कहां पे रेशियो चेंज होगा और कहां पे रेशियो नहीं चेंज होगा। देखिए 270 डिग्री है, 270 डिग्री ये दोनों में 270 डिग्री क्या है, 90 डिग्री इंटू 3 इक्वल टू 270 डिग्री, इसका मतलब ये है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्या होगा, उसका मतलब हो जाएगा रेशियो चेंजेस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक कॉसिक और कॉसिक का हो जाएगा सेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री मतलब 90 डिग्री इंटू 4, इसका मतलब ये हो गया इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल होगा तो रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है। बस इतना टिप आपको यूज करके वो बाकी का निकालना है। आप लोग थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, नमस्ते।